हमारे दुनिया में ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग हैं, एंड उन्हीं लोगों का कहना है कि हमारे दुनिया में अलग अलग तरीके की आत्माएं भी हैं। हमारे दुनिया में ऐसे जितने भी धर्म हैं वो सबका ये चीज़ कहना है कि इंसानों के परे भी उन्होंने एक चीज़ बनाई है, एक ऐसी चीज़ बनाई है जो कि एक समय में इंसान ही हुआ करते थे, लेकिन एक अननेचुरल मौत के वजह से वो एक इस तरीके का रूप ले लेते हैं जो कि हर किसी को नहीं दिखते, बहुत कम लोगों को दिखते हैं। एंड हर एक धर्म में इसको एक अलग नाम से पुकारा जाता है। हिंदू धर्म में इसे भूत कहा जाता है या फिर प्रेत, क्रिश्चियन धर्म में इसे डेविल कहा जाता है या फिर डीमन, और मुसलमान धर्म में, इस्लाम धर्म में इसे जिन्नात कहा जाता है या फिर खबीस या फिर शैतान। ऐसा बताया जाता है कि जो जिन्नात होते हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक और खौफनाक होते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर कोई भी जिन्नात आपके घर में अपना बसेरा बना ले तो उस घर को छोड़ दो, वही सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके पास, क्योंकि जो जिन्नात होते हैं उनके लिए आपकी ज़िंदगी का कोई मोल नहीं होता, वो सिर्फ अपने लिए जीते हैं, सेल्फिश होते हैं। चाहे आपकी ज़िंदगी बिगड़ जाए या फिर आपकी मौत हो जाए, उन्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यही चीज़ों के रिलेटेड एक घटना घटी थी मीरा रोड के गौरव पैराडाइज में, एंड ये कहानी जो मैं आपको आज सुनाने वाला हूँ एक सच्ची घटना के ऊपर आधारित है, एक ट्रू बेस्ड स्टोरी है ये। यहाँ पे सालों पहले एक जॉइंट फैमिली आई थी रहने के लिए, एंड उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी है यहाँ पे, कुछ ऐसी घटनाएं महसूस करी है जिसके वजह से दो लोगों की जान चले गई वहाँ पे। एंड बताया जाता है कि आज भी ये घटनाएं वहाँ पे रुकी नहीं है, बस अब तक वो चलते ही जा रही है। ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस और हिस्टोरिकल वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। सो ये बात है 2018 की, जब एक जॉइंट फैमिली जो कि मलाड़ में सालों से रहा करती थी एक दिन मीरा रोड में शिफ्ट होती है। मीरा रोड के एक सोसाइटी में, गौरव पैराडाइज, उसके 6th फ्लोर में रहने आती है। एंड ये एक बहुत बड़ी फैमिली थी, मतलब यहाँ पे 2 कपल रहा करते थे, उनके बच्चे रहा करते थे, उनके ग्रैंड पेरेंट्स रहा करते थे और उनके बड़े लड़की की बीवी भी रहा करती थी। एंड शुरुआत के दिनों में तो यहाँ पे बिल्कुल भी झगड़े नहीं होते थे, बहुत ही शांत परिवार था ये, लेकिन सिर्फ इस घर पे आने के पहले हफ्ते तक, उसके बाद सब बदल गया। जो इस घर के बड़े कपल थे उनमें जो उसकी वाइफ थी फातिमा, वो इस घर में सबसे ज़्यादा फिट थी, सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी, एंड उनकी हेल्थ भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छी हुई करती थी। लेकिन अचानक से उनकी जो तबीयत थी वो बिगड़ने लग गई थी, कुछ ज़्यादा बिगड़ने लग गई थी, एंड डॉक्टर ने तो ये भी बताया कि उनको टीबी है, एंड उनकी मेडिकेशंस भी चालू कर दी, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हो रहे थे। लेकिन बीमार रहते समय फातिमा एक बात कहा करती थी उसके घर वालों को कि मुझे एक औरत दिख रही है जो कि मुझे थोड़ी जली हुई लग रही है, एंड कभी कभार तो मुझे वो ऐसी दिखती है जैसे कि वो खुद जल रही है। इन सिंपल वर्ड्स फातिमा ये कहती थी कि हर समय जब भी वो सोने जाती थी या कहाँ पे भी रहती थी, चाहिए किचन में रहती थी, उसको ऐसा लगता था कि एक औरत है जिसका चेहरा पूरी तरीके से जला हुआ है, या फिर वो कभी कभार आग में लिपटी हुई रहती थी, वो उसे दिखा करती थी। एंड हर बार दिखते समय वो फातिमा को ये बात कहा करती थी कि तू अपनी जान ले ले, तू अपने आप को मार दे। लेकिन फातिमा की बात पे कोई भी बिलीव नहीं करता था, उनके हस्बैंड भी उसे इग्नोर करते थे, घर वाले भी इग्नोर करते थे, और बच्चे तो ये कहने लग गए थे कि मम्मी आपकी तबीयत खराब है, आपको इसके लिए कुछ भी दिख रहा है, आप अंदर जाके सो जाओ, और ऐसे ही उन्हें फोर्स करके सुलाया जाता था। एंड उन्हें इस घर में आके ज़्यादा समय भी नहीं हुआ था, फिर भी ये सारी चीज़ें उनके साथ हो रही थी, घर पर टाइम टू टाइम झगड़े हो रहे थे, लेकिन इतने कम समय में बहुत सारी चीज़ें होने लग गई थी। अब ये बात है कुछ महीनों बाद की, जब फातिमा की हालत और ज़्यादा बदतर हो गई थी, उसे और भी बहुत सारी चीज़ें दिखने लग गई थी उसी के साथ, लेकिन वो उसकी तबीयत इतनी ख़राब नहीं थी दिमागी हालत से, साइकोलॉजिकली उनको कोई भी तकलीफ नहीं थी, बस उनको टीबी था, एंड उन्हें ये सारी चीज़ें दिख रही थी। एंड अब एक बार की तो बात है जब वो नहाने जा रही थी, एंड उससे पहले उन्होंने अपने बच्चों को कहा था कि बच्चों मुझे वापस से वही औरत दिख रही है, एक जला हुआ चेहरा, मुझे अभी तक याद है।
एंड इस बार तो वो मुझे मारने की कोशिश कर रही है। बच्चों ने वाली बात इग्नोर करी एंड फातिमा चले गई नहाने के लिए। अभी काफ़ी समय बीत गया था एंड फातिमा बाथरूम से बाहर ही नहीं निकली थी। घर वालों को लगा कि शायद से वो चक्कर खा के नीचे गिरी होगी, तो उन्होंने झांक के देखा बाथरूम में एंड देखा तो वो बाथरूम में ही नहीं है और बाथरूम की खिड़की खुली थी एंड वो भाग के नीचे गए ये सोच के कि कोई अनहोनी ना हो गई हो। एंड नीचे जाके जैसे उन्होंने देखा उनके फ्लैट के ठीक नीचे फातिमा की लाश पड़ी हुई थी। फातिमा का पूरा सर फट चुका था एंड उनकी वहीं पे मौत हो गई। फातिमा के घर वाले अभी बहुत ही ज़्यादा गहरे सदमे में पहुंच चुके थे कि फातिमा इतने महीनों से जो भी हमें बातें कह रही थी कि हाँ उसे कोई तो यहाँ पे दिख रहा है, वो सारी बातें सच थी। क्योंकि अभी घर वालों को भी ये चीज़ महसूस होने लग गई थी कि हम यहाँ पे अकेले बिल्कुल भी नहीं हैं, हम यहाँ पे अकेले नहीं हैं, क्योंकि उन्हें कोई और भी दिख रहा है, महसूस हो रहा है। ये सारी चीज़ें हो रही थी और दूसरे तरफ घर के दूसरे बेटे शाहरुख और उसकी बीवी शाहीन, उन दोनों में ये झगड़ा होने लग गया था। किसी तो बात पे झगड़ा होने लग गया था, रोज झगड़े होते थे उनके बीच में। अभी कुछ समय बाद की बात है जब पूरा परिवार रात को बैठ के टीवी देख रहा था और शाहीन अपने कमरे में थी और लोगों को लग रहा था कि शाहीन आराम कर रही है अपने कमरे में या तो सो रही है, वैसे भी काफ़ी रात हो गई है एंड सब लोग टीवी देख रहे थे। उतने में शाहरुख अपने कमरे में गया ये चेक करने के लिए कि शाहीन सोई है कि नहीं। वो जैसे ही कमरे में गया उसने देखा कि ठीक उसकी आंखों के सामने शाहीन पंखे से लटकी हुई है। उसने आत्महत्या कर ली थी। कुछ ही दिनों में यहाँ पे दो मौतें हो गई थी, दोनों आत्महत्या से। एंड ये दूसरी मौत के बाद तो इन घर वालों को आंखों देखी चीज़ें होने लग गई थी। मतलब कोई भी सामान इनके आंखों के सामने इधर से उधर हो जाना, किसी भी चीज़ को आग पकड़ लेना, अलग अलग आवाज़ें आना, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आना, ये घर अभी बहुत ही ज़्यादा खौफनाक बन गया था इनके लिए। एंड एक बार तो इन सारी हरकतों की हदें पार हो गई। इस बार सामने सामने ऐसा दिख रहा था कि कोई तो इनको झांक के देख के जा रहा है। अचानक से कोई तो आता है दीवार के पीछे से, झांक के इनको देखता है और भाग जाता है। एंड जब उस कमरे में जाके देखते तो वहां पे कोई भी नहीं रहता था। एंड ये हद पार होते गई हर दिन, तो उन्होंने ये घर वैसा ही छोड़ दिया, भाग गए उस घर से ये लोग आधी रात को। आज भी उनके कपड़े आपको वहीं पे मिलेंगे वैसे के वैसे, उस घर पे वहीं पे पैसे ऐसे ही पड़े हुए, टीवी वैसे ही पड़ा है, फ्रिज वैसे ही पड़ा है, वॉशिंग मशीन भी वैसे ही पड़ा है। ये घर इतना ज़्यादा खौफनाक बन गया था कि उस दिन के बाद से ये लोग उस घर में वापस ही नहीं गए। एक घर बनाने में कितने सालों लगते हैं, एक घर को सजाने में कितना वक्त लगता है, ये सब आपको भी पता होगा। तो आप ही ये वाली बात सोचिए कि इन घर वालों पर ऐसी क्या चीज़ बीती रहेगी, ऐसे कौन से दिन इन्होंने वहाँ पर देखे रहेंगे जो आधी रात को इन्होंने अपना सब कुछ वहाँ पर छोड़ के चले गए आधी रात को। ये घर आज भी उनका है, अपना है, यही वहाँ के मालिक है, लेकिन उन्होंने ये वाला घर बेचने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी लेकिन ये घर बिका नहीं, क्योंकि हर किसी को इसके बारे में अच्छे से पता है, सबको ज्ञान है इस चीज़ का। एंड ये बिल्डिंग ही कुछ उस तरीके की है, बस उस एक महीने में वहाँ पे 3 सुसाइड हुए थे, एक फातिमा का, एक शाहीन का और एक और एक लड़के की हुई थी वहाँ पे सुसाइड छत से लटक के। सेम, ये एक बहुत ज़्यादा श्रापित जगह है। बताया जाता है कि ये जो बिल्डिंग है ये ही बहुत ज़्यादा श्रापित है। आखिर में जाके उन्हें ये पता चला कि जिस घर में वो इतने सालों से रह रहे थे उस घर में कई सालों से एक जिन्नात का बसेरा था, एक जिन्नात का पूरा परिवार वहाँ पे रहा करता था। मैं आपको एक और एक बात बताना चाहता हूँ कि कभी भी आपको कोई भी ये वाली बात बोले कि उस जगह पे मत जाना क्योंकि वहाँ पे कोई जिन्नात रहता है या फिर कोई खबीस रहता है, तो उन बातों को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि ये जो जिन्नात होते हैं ये आपको जीते जी जहन्नम का एहसास करा सकते हैं। क्योंकि आप ये चीज़ दुआ करो कि आपकी दुनिया की किसी भी शक्ति के साथ कभी भी सामना हो जाए, चाहे भूत प्रेत किसी के भी साथ, लेकिन जिन्नात के साथ ना हो। क्योंकि जैसे मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा
कि इन लोगों के लिए आपके ज़िंदगी का कोई मोल नहीं होता है। ये आपको मार भी देंगे तो भी इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि किसी भी पब्लिक टॉयलेट में या फिर ओपन गार्डन्स में इत्र लगा के रात को मत जाना, वरना ये जो जिन्नात होते हैं ये आपसे उस समय सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। यानी एक बार आपके ज़िंदगी में आ जाए तो आसानी से ये आपका पीछा नहीं छोड़ते। शुक्रिया।